मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए मायावती का बड़ा दांव। आप सब यही सवाल पूछ रहे हैं कि बसपा के लिए कितने मुफीद होंगे इमरान मसूद। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कल मुस्लिम वोट बैंक का साथ पाने के लिए इमरान मसूद के सहारे बड़ा दांव खेल दिया है। उनकी नजर इस वोट पर काफी समय से है। विधानसभा चुनाव में इस वोट बैंक के एक तरफा सपा में जाने के बाद वो कई मौकों पर लगातार कह रही थी कि मुस्लिमों का भला बसपा में ही है, बसपा ही एकमात्र पार्टी है जो भाजपा का विकल्प बन सकती है। हालांकि उनका यह दांव समाजवादी पार्टी के पक्ष में बीते विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ी सहानुभूति रखने वाले मुस्लिम वोट बैंक में कितनी सेंध लगा पाएगा, ये अभी कहना मुश्किल है। पश्चिमी यूपी में साल 2011 की जनगणना के मुताबिक कुल आबादी 7,12,17,132 है। इसमें 72.29% हिंदू और 26.21% मुस्लिम है। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम बिरादरी के वोट बैंक को निर्णायक माना जाता रहा है। बसपा ने इसीलिए साल 2022 के विधानसभा चुनाव में 88 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक सीट पर भी सफलता नहीं मिली। मायावती तब से मुस्लिमों को हर मौके पर हकीकत बताकर पक्ष में करने की कोशिश में थी और इमरान मसूद के जरिए उन्होंने मुस्लिमों को यही संदेश देने की कोशिश की है। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो को काफी समय से पश्चिमी यूपी में किसी बड़े मुस्लिम चेहरे की तलाश थी। इसके लिए इमरान बिल्कुल मुफीद माने जा रहे हैं। पश्चिमी यूपी में उनका अपना जनाधार है। माना जा रहा है कि बसपा लोकसभा चुनाव में उन्हें सहारनपुर सीट से उतारेगी। इमरान साल 2007 में मुजफ्फराबाद विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ विधायक बने थे। साल 2012 में सपा के टिकट पर नकुड़ विधानसभा से लड़े और हार गए। साल 2014 का लोकसभा चुनाव सहारनपुर सीट पर सपा से लड़ना चाहते थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर वो कांग्रेस के टिकट पर लड़े और हार गए। इसके बाद 2017 में नकुड़ विधानसभा से फिर चुनाव लड़े और फिर से हार गए। साल 2022 के चुनाव में वो कांग्रेस छोड़ समाजवादी पार्टी में गए, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिलने की वजह से उन्हें सपा मुखिया अखिलेश यादव से नाराज माना जा रहा था। लेकिन अब बसपा सुप्रीमो ने इमरान मसूद को पार्टी में शामिल कराते वक्त सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। अमूमन मायावती बहुत कम लोगों को सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती हैं। इसके जरिए वो मुस्लिम समाज को साफ संदेश देना चाहती हैं कि उनके लिए मुस्लिम समाज की आखिर क्या अहमियत है। वहीं बसपा में मुस्लिम नेताओं में नसीमुद्दीन सिद्दीकी बड़ा चेहरा हुआ करते थे, लेकिन उनके कांग्रेस में जाने के बाद कोई भी बड़ा चेहरा नहीं था। हालांकि मायावती ने कई नेताओं को आगे किया, लेकिन बात नहीं बन पाई। इमरान मसूद के बसपा में आने से वो इन्हें बड़े चेहरे के रूप में प्रस्तुत करेंगे, जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका फायदा लिया जा सकेगा। वहीं इमरान मसूद ने भी बसपा में शामिल होने के बाद क्या कुछ कहा, जरा एक नज़र इस बात पर भी डाल लीजिए। देखिए, आज ऐतिहासिक दिन है। मैं हमारी नेता आदरणीय बहन जी के समक्ष आकर के मैंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली है और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि मुझे बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता देने का काम किया। क्या लग रहा है, क्योंकि विधानसभा तो संपन्न हो चुका है, लोकसभा की तैयारियों में? देखिए, तैयारी आगे की, इसीलिए विधानसभा में जो हमने किया और जो प्रयोग विधानसभा में करने के लिए हम कांग्रेस छोड़ करके आए थे, वो प्रयोग पूरी तरह से विफल हुआ। बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई विकल्प दिखाई नहीं देता, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का ही वोट बैंक ऐसा है जिसके साथ मिलकर के हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजबूत विकल्प भारतीय जनता पार्टी का बन सकते हैं। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो दोनों ही पार्टियों में कुछ बेहतर परिणाम नहीं देखने को मिले थे, ऐसे में आप बसपा को बेहतर बता रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से वोट पड़ने का काम हुआ, हमने हमारे समाज ने एक तरफा वोट डालने का काम किया, उसके बाद भी रिजल्ट जीरो आया। फिलहाल मायावती ने तो मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए बड़ा दांव खेल दिया है। देखना ये होगा कि उनका यह दांव कितना सफल हो पाता है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस यूपी के साथ।